आज की डेट में कंगना रनौत भले ही टॉप की एक्ट्रेस है, इनफैक्ट इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्ट्रेसेस में उनका नाम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कंगना रनौत ने जल्दबाजी में ही सही और बचपने में ही सही लेकिन एक अडल्ट फिल्म साइन कर ली थी। जी हाँ, इस बारे में रिसेंटली अपने बर्थडे पर कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा किया है, तो चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूस, मैं हूँ ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने एक बड़ा खुलासा किया है। वैसे तो कंगना कई सारे खुलासे करती ही रहती हैं, लेकिन इस बार वाला डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है उन सभी फैंस के लिए जो इस वक्त कंगना को एक आइडल के तौर पर देखते हैं। आप सबको बता दूं, देखिए हम जानते हैं कंगना जो है वो ना सिर्फ पद्मश्री लेकिन 4 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी हैं, जो कि किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल अवार्ड्स जो है वो माने जाते हैं। ऐसे में रिसेंटली कंगना ने एक इंटरव्यू एक लीडिंग पोर्टल से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया अपनी जर्नी को लेकर, तो कंगना कहती हैं, मुझे एक फ़ोटोशूट करना था, मैं उस समय अपनी टीनेज में थी जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था, यानी कि एक अडल्ट फिल्म में मुझे ये रोल ऑफर हुआ था। मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि ठीक है मैं ये कर लूँगी। लेकिन बाद में वो फोटोशूट मुझे किसी अश्लील फिल्म जैसा लग रहा था और मुझे लगा कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि वो सच में एक अडल्ट फिल्म ही थी। हालांकि बाद में किसी तरह मैं वहां से निकल गई। वेल, कंगना ने पहली बार जो है गैंगस्टर फिल्म में अनुराग बासु ने कंगना को मौका दिया था और अनुराग बासु ने कंगना के साथ काम किया था, और डेफिनेटली महीनों इंतज़ार जो है वो कंगना रनौत को करना पड़ा, जिसके बाद जाकर उन्हें फाइनली अपना पहला ब्रेक मिला था गैंगस्टर के जरिए। लेकिन अगर गैंगस्टर उनकी किस्मत पे नहीं आते, अनुराग बासु उनकी किस्मत पे नहीं आते, तो डेफिनेटली शायद अगर कंगना उस वक्त इतनी समझदार नहीं होती तो वो बैकआउट ना करती और आज की डेट में वो शायद अपने करियर की शुरुआत जो है वो एक अडल्ट फिल्म से कर चुकी होती। वेल, कंगना ने तो डेफिनेटली इस किस्से को शेयर किया है, लेकिन आपको बता दूं कि 2005 में डायरेक्टर अनुराग बासु ने कंगना को एक कैफे में कॉफ़ी पीते देखा था और गैंगस्टर फिल्म के लिए ऑफर दे दिया था, और कहीं ना कहीं गैंगस्टर फिल्म के लिए कंगना का जो एक पूरा ऑरा था, पूरी इमेज थी, वो काफ़ी हद तक फिट बैठ रही थी, इसलिए अनुराग बासु ने उन्हें देखते ही इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर दिया था। पर आपको इस बारे में क्या है कहना, और कंगना को लेकर कंगना ने ये जो किस्सा शेयर किया है उस पर क्या कहेंगे आप बताइए हमें कॉमेंट बॉक्स में।